स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज भाजपा द्वारा इस समारोह को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा द्वारा शहीदी स्मारक पर तिरंगा लहराया गया। इस मौके उन्होंने कहा कि आज हम लोग देश का 74वां आजादी दिवस मना रहे हैं और देश को आगे ले जाने के लिए हम सबको एकजुट होकर सामने आना होगा ताकि देश को उन्नति की राह पर और आगे लेकर जा सके। देश की आज़ादी का 74वां जश्न असी मना रहे हैं, लेकिन अज के दिन जिथे देश की आज़ादी के दिहाड़े की खुशी है उत्थे विचार करन दा भी दिन है कि इस देश की आज़ादी नू प्राप्त करन लई अनेक शूरवीरां ने अनेक माताओं के लालां ने अपना जीवन कुर्बान किया और ये देश आज़ाद होए ये हसते हसते फांसी के तख्तियां ते चुम गए। उन्होंने जो विचार जो सोच जो सपना इस देश की आज़ादी दे समय लिया उनू पूरा करन दा दायित्व उनू पूरा करन दी जिहड़ी जिम्मेवारी है वो सब समाज की है नौजवानों की है और भारत के हर एक नागरिक की है। देश दे अंदर चाहे देश की सुरक्षा का मामला आए उदे प्रति भी सजग रहने की जरूरत है। देश दे अंदर इस वेले जिहड़ियां कुरीतियां हैं भ्रष्टाचार इहदे तो भी देश नूं मुक्त करवाना है। देश स्वच्छ बने देश शक्तिशाली बने देश दे अंदर सुरक्षा का अभाव और दुनिया का सिरमौर ये देश बने इहदे लई सब नागरिकां नूं एकजुट होकर लगना पेगा। देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश नूं अगे लैके जाण लई अनेक प्रकार दे उपराले कर रहे ने। लोकां नूं देखण लई स्वच्छता अभियान एक छोटा अभियान लग्या लेकिन ये देश स्वच्छ बने इहदे लई उन्होंने एक लड़ाई शुरू की हुई है और भारत आत्मनिर्भर बने आत्मनिर्भर भारत बनाने दे लई उन्होंने सबनों आह्वान किया। कोरोना की इस महामारी के अंदर भी देश के अंदर सब लोग एकजुटता नाल इस लड़ाई में भी जितन और देश में भी अगे लैके जान ये आओ असी सारे मिलकर प्रण करिए। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. प्लस टू तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी, कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।